सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में लीप आने के बाद शो की रेटिंग में सुधार देखने को मिला। हालांकि फैंस अब भी इस सीरियल की कहानी से खुश नहीं हैं। फैंस को लग रहा है कि कुछ गलतियों की वजह से ये सीरियल बर्बाद हो चुका है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी बंगाली सीरियल कुसुम डोला से ली गई है। समय के साथ इस शो की कहानी दिलचस्प होती चली जा रही थी। शो में आ रहे ट्विस्ट और टर्न्स की वजह से शो की रेटिंग में सुधार तो देखने को मिला, लेकिन इतने बदलाव करने के बाद भी मेकर्स फैंस को खुश करने में सफल नहीं रह पाए। दर्शक को अब भी सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में खामियां गिनवाने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, लोग तो अब सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी की तुलना कुसुम डोला से करने लगे हैं। लोगों को लगता है कि कुसुम डोला की कहानी ज़्यादा अच्छी थी। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये सीरियल फैंस को गलतियों की वजह से खुद व खुद ट्रोलिंग पर मजबूर कर रहा है। लीप के बाद भी विराट और सई की गलत फहमियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विराट और सई अब भी एक दूसरे से नाराज हैं। फैंस मेकर्स से पूछ रहे हैं कि अगर विराट और सई की गलतफहमियां दूर करनी नहीं थी तो लीप लाने की ज़रूरत क्या थी। जल्दी गुम है किसी के प्यार में की कहानी में विराट अस्पताल पहुंचने वाला है। जैसे ही विराट और सई के एक होने की उम्मीद जगती है, वैसे ही कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। लीप से पहले सई का एक्सीडेंट हुआ था, इस बार विराट को गोली लगी है। शो में हो रहे एक्सीडेंट देखकर फैंस अब पक चुके हैं। फैंस को लगता है कि अब उनको कहानी में कोई और मसाला इस्तेमाल करना चाहिए। सई सिंगल मदर बनकर सवि को पाल रही है, गुलाब राव जैसे गुंडे का सामना कर रही है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी अपना गुरूर छोड़ने के लिए राजी नहीं है। विराट के आने के बाद सई ने एक बार फिर से नखरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। अपनी तीखी बातों की वजह से ही सई गुलाब राव की दुश्मन बन बैठी है। फैंस चाहते हैं कि सई को अपने व्यवहार में बदलाव लाने चाहिए। बार बार गुम है किसी के प्यार में कि मेकर्स पाखी और सई का आमना सामना करवा रहे हैं। शो में अक्सर दोनों सौतनों की तरह लड़ती नजर आती हैं। जल्द ही सौतनों की ये नौटंकी फिर शुरू होने वाली है। लीप के बाद पाखी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सई के जाने के बाद पाखी ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली है। इतना ही नहीं, पाखी अब तो बिजनेस में भी मदद करती है। मेकर्स पाखी को एक अच्छी बहू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी में आया ये बदलाव फैंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दीप के बाद विराट और सई का आमना सामना हो चुका है। अब फैंस इंतजार कर रहे हैं कि सई और विराट का मिलन कब होगा। आम तौर पर जनता विराट और सई का रोमांस देखना चाहती है। हालांकि मेकर्स शो में चल रहे लव ट्रायंगल पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पता नहीं मेकर्स ये बात कब समझेंगे कि विराट और सई को अलग किए बिना भी गुम है किसी के प्यार में की कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ समय पहले ही सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में 9 साल लंबा लीप आया था। लीप आने के बाद भी इस शो का कोई भी किरदार बूढ़ा नहीं हुआ। विराट के चेहरे पर तो एक झुर्री तक नहीं दिखी। हालांकि मेकर्स ने कुछ कलाकारों के चेहरे पर चश्मे जरूर चढ़ा दिए। लीप आने के बाद सभी और विनायक की उम्र में भी कोई बढ़ोतरी नहीं दिखी। शो में चल रहा ये ड्रामा देखकर तो फैंस हैरत में ही हैं। आपको कितनी हैरानगी हो रही है इस शो को देखकर, बहुत सारे कमेंट कर बताएं। देखते रहें बॉलीवुड गपशप।